मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा बढ़े हुए 8% महंगाई भत्ते देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पत्र लिखा गया है शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश। विषय है शासकीय सेवकों तथा स्थायी कर्मी को देय महंगाई भत्ते की दर में अक्टूबर 2021 से वृद्धि। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक दिनांक 14 जून 2019 द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों को माह जनवरी 2019 से सातवें वेतनमान में 12% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपयुक्त दरों में वृद्धि करते हुए निम्नानुसार तिथि व दर से महंगाई भत्ता दिया जाए। अवधि जब से महंगाई भत्ता देय होगा, सातवें वेतनमान में देय महंगाई भत्ता की दर दिनांक 1 अक्टूबर 2021 से, बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान माह अक्टूबर 2021 के वेतन के साथ माह नवंबर 2021 में होगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि का प्रतिशत 8%। पहले महंगाई भत्ता 12% था, अब 8% की वृद्धि हुई तो अब कुल मिलाकर 20% महंगाई भत्ता मिलेगा। महंगाई भत्ते में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा। महंगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार पी के श्रीवास्तव, उप सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग।